जल्द ही नागपुर शहर और महाराष्ट्र में गणपति बाप्पा का आगमन होने वाला है। बात करें जब राज्य की तो महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से गणेश उत्सव को मनाया जाता है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से गणपति बाप्पा के इस पर्व पर भी ग्रहण लग चुका है। पिछली बार भी महामारी की वजह से बड़ी ही सादगी के साथ इस पर्व को जनता ने मनाया था। इस वर्ष भी ऐसा ही कुछ नजारा देखने को मिलेगा। इसी के तहत पुलिस प्रशासन की गणेश उत्सव को लेकर क्या तैयारी है, उस बारे में पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने अधिक जानकारी साझा की। इस बार भी महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के लिए गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के अनुसार सार्वजनिक गणेश मंडल में बाप्पा की मूर्तियों का आकार 4 फुट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं घरों में गणपति बाप्पा की जिन मूर्तियों को लाया जाएगा उनकी ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि जनता को उम्मीद थी कि सरकार इस बार कड़े कदम इस पर्व पर लागू नहीं करेगी। इस संदर्भ में बात करते हुए पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने कहा कि गणेश मंडलों को ऑफलाइन या ऑनलाइन तरीके से परमिशन के लिए फॉर्म भरना होगा। वहीं राज्य सरकार की ओर से दिए गए नियमों और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की जानकारी पुलिस प्रशासन की ओर से गणेश मंडल तक पहुंचाई जा रही है। देखिए, महानगर पालिका कलेक्टर ऑफिस और पुलिस डिपार्टमेंट मिलकर ये तय किया जा रहा है कि एक सिंगल विंडो परमिशन देने के लिए प्रक्रिया चालू की जाएगी। उसी प्रकार की जानकारी सभी गणेश मंडलों को दी गई है और उनको ये बताया गया है कि आप डिवीजन लेवल पर या पुलिस स्टेशन लेवल पर जैसे भी सुनिश्चित किया जाएगा उस तरीके से आप लोग ऑनलाइन प्रक्रिया से या फिर ऑफलाइन प्रक्रिया से परमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और उसके अलावा जो राज्य सरकार की जो गाइडलाइन आई है जिसमें कहा गया है कि जो गणेश मंडल है वो जो गणेश की मूर्ति रहेगी, गणपति की मूर्ति रहेगी, 4 फीट से ज़्यादा ऊँचाई की नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम तालाबों में उनका क्या कहते हैं विसर्जन किया जाना चाहिए। कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाने चाहिए। इस प्रकार से डिटेल गाइडलाइन राज्य सरकार ने जारी की है। उस प्रकार की जो गाइडलाइन है, जो जानकारियां हैं, वो हम लोग सभी गणेश मंडलों को पहुंचा रहे हैं। एक लोकेशन पे अगर 2 लोग मांगेंगे तो ऑफकोर्स एक की रिजेक्ट करनी पड़ेगी, एक की एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और जो गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइन में जो डिस्टेंस होना चाहिए एक मंडल से दूसरे मंडल के बीच में, अगर वो गाइडलाइन वायलेट होगी तो वो रिजेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट किया जाएगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भारत में बेहद खतरनाक साबित हुई है। ऐसे में त्योहार में संक्रमण और अधिक न फैले एक चिंता का विषय है। वायरस की तीसरी लहर की आशंका के बीच महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव को लेकर गाइडलाइंस जारी किए हैं। राज्य की उद्धव ठाकरे सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वो इस त्योहार को सादे तरीके से मनाएं। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।